पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मत दे दी है बाल में याने नू, मत दे दी है बाल में याने नू, मत दे दी। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी फिर क्या करो बरसाने नू, मैं तो दे दी। कहते हैं गीता पढ़े और भागवत पढ़े। गीता में नाम है गीता ही हरे राम कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, और उस शब्द ठिकाने नू यानी सही मंत्र की तरफ तो ध्यान नहीं देते। मनमाना आचरण करते, मनमाने जाप करते हैं, नष्ट हो गए जीवन भोली आत्माओं के। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सुख हो, ना उसकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। अब देखो सिद्धि प्राप्ति होगी आपको, सिद्धि बिना आप वहां नहीं जा सकते। ये आपको 24 सिद्धि मिलेंगी इन मंत्रों से, 24 सिद्धि। और इन सिद्धियों का यदि तुम बर्बाद करने लग जाओगे तो टायर पंचर हो जाएगा आपका, इनको छूना नहीं। ये जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि ऐसी है जो आकाश में उड़ जाती है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे सतलोक में जान खातर। यहाँ सैर सपट्टे को नहीं, लोग दिखावा नहीं करना इसका जरा से भूल कभी। तो क्या बताते हैं कि ये सच्चे उस नाम को तो सुनते नहीं, ये असली नाम को तो पूछते नहीं, जो ठिकाने का नाम है, सही मंत्र है, सतनाम है, जो गीता वर्णन है। और गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नू। कहते मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, और के करे फिर बरसाने नू। यहाँ से जाएंगे मथुरा में, मथुरा के उस पहाड़ के चुगरते चक्कर काट के फिर बरसाने जरूर जाना चाहिए। क्यों? राधा से पारस लुवाने के लिए राधे राधे श्याम मिला दे, राधे ना उड़े श्याम दे किसी बोड़े कहाँ चक्कर काट रहे। और श्याम के पास पहुंच गए तो फिर दुर्ग तीनों कीनों। तो हमने ये विचार करना पड़ेगा कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन परमात्मा है जो मोक्षदायक है, और अपनी पवित्र गीता के अनुसार ही करना चाहिए। फिर बताते हैं जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का सरना ली जे जो मिटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बाल याने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया, फिर वो कैसे बता रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आवे और कौन राखे अगर जाने नू, जब ऊपर से आपका आदेश आ गया कि मृत्यु होगी, जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण पूर्ण संत के माध्यम से ग्रहण नहीं करते आपकी मृत्यु नहीं बच सकती। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने से, परम संत से उपदेश लेने से, उनके कृपा पात्र से आपकी आयु एक्सटेंड हो जाती है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं काल जो पीसे पीसना ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार सी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी
और जो भी महापुरुष उनको मिले उन्होंने अपने परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ बताई, उनकी समर्थता का प्रमाण दिया। जैसा कल आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा था कि जिसके हुक्म में पवन और पानी चलते हैं उसके हुक्म के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। और वो है बाबा जिंदा, और किसी को बाबा मत कहना, वो सबका बाबा सबका दादा एक कह है बस, वो कबीर वड्डा कबीर आलम वड्डा कबीर है, वो सबसे बड़ा भगवान कबीर। आलम माने समर्थ शक्ति परमात्मा, और वड्डा माने बड़ा कबीर, वो कबीर दुलाहा दानक रूप रहा करतार, फाई सूरत मलुकी वेश एठगवाड़ा ठगी देश खरासियाणा बहुता वारिय दानक रूप रहा करतार। तो इसी प्रकार गरीबदास जी कह रहे हैं कि काल तपी से पीसना चक्की फेर मेरे भगवान की कबीर साहब की, और या मौत है पनिहार या उसका पानी भरती है। पहले राजाओं के नौकर होते थे ना, तो ऐसे कहते हैं उसके आदेश से इनकी हिम्मत नहीं, कबीर परमात्मा के हंस को जो मर्यादावत लगा हुआ है आके टच भी कर दे जब तक मेरा आदेश नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कि काल तपी से पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर है मेरे सतगुरु के दरबार। और काल डरे करतार से, ये काल ज्योत निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो सबको खाता है मारता है, कहते काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, वो बड़ा भगवान आलम, सबसे बड़ा कबीर भगवान, वो सबसे बड़ा आलम, सबसे बड़ा शक्तिशाली भगवान। काल ड्रे करतार से जय 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 जगदीश, अर जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। कहते हैं मौत हमारे कबीर भगवान के जोड़ी झाड़ती है, जूते साफ करती है, उसके हुक्म बिना परमात्मा मैं टच भी नहीं करूँगी आपके अंश को। तो इस प्रकार कहते हैं जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, और जा सतगुरु का सरना ले लो जो मेटे जम तल बाने नू। मैं तो दे दी है बाल मियाने नू, मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे, नकली गुरुओं के पास आओगा टीटवी दाब देगा, और परमात्मा के सच्चे मन से सच्चे नियमों में आप लगे रहोगे इस मंत्र को दास से लेकर, कहते परमात्मा उनके तलबाने को वापस कर देता है। जैसे निचली कोर्ट ने कोई सम्मन कर दिया और उसका हाई कोर्ट से सटे मिल गया तो उनका सम्मन वापस हो गया यूजलेस। तो यहाँ कहते हैं जा समर्थ का सरना लीजिए जो मिटे जम तलबाने न। कबीर साहब इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब ब्रह्मांडों का सुप्रीम कोर्ट, और उसके आदेश जैसे धर्मराज का इन यहाँ के न्यायाधीश का दो धर्मराज का तलबाना आया तो कबीर साहब की कोर्ट से सटे मिल जाता है, जा तू वापस फिर देखाएंगे तने। तो कहते हैं जा सतगुरु का सरना लीजे जो मिटे जम तलबाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बाल मयाने नू। अब ये बता भी दिया कौन है वो धनी, कौन है वो हरी, कौन है वो परमात्मा। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, कहते नट प्रेरणा कंदर सासी मांग्या कर बठिया रे, अर्जुन की लो लगे सतपुरुष ते वो तो मोती देवे उदारे, टूका कारण फिर कोकरा सत्यर घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं संत के क्यों बाणा वृद्ध ल जावे।
अपने आत्मा इस दास ने सन 1994 से आदेश हुआ था पूज्य गुरुदेव का दीक्षा देने का। 94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा, सब खर्चा अपनी जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी, दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था। उससे लेकर आज तक एक नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को, और फिर उमंग भरता है, करह कराव साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। तो यहाँ देख लो कि कैसा मालिक की दया है, सब तरह की व्यवस्था है, और आज तक एक ना पैसा नहीं मांगा दास ने। तो कहते हैं जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। तो ये कहते हैं गरीबदास साहिब जी, कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास कहते कबीर साहब आए भगवान हरियाणे नू, और तो मांगते फिर धक्के खाते फिर उस भगवान को पहचानो। अब ये जो समागम चल रहा है ये इस उपलक्ष्य में है कि कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सारे ब्रह्मंडों का रचने हरा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा प्रांत में मिले थे। फाल्गुन मास की द्वादशी शुक्ल द्वादशी यानी चांदनी द्वादशी उत्तर चेकी, और दिन के 10 बजे लगभग सतलोक से आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। एक कुंवारी एक बछिया का दूध अपने आशीर्वाद से उसका दूध निकाला आप पिया, गरीबदास साहिब जी ने पिया, अन्य जो पाली थे वो नहीं पिए, वो कहने लगे ये पाप का हम नहीं पियेंगे। वो तो आए इसी उद्देश्य से थे अपनी प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाने के लिए, सतलोक दिखाने के लिए। सतलोक ले गए फिर वापस छोड़ा, 10-11 घंटे लग गए थे सारे प्रोसीजर में। और जब गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने वापस भेज दिया उस आत्मा को, सारा कुछ परिचय करा के अपना सामर्थ्य दिखाकर। तब गरीबदास जी कह रहे हैं हरियाए हरियाणे नू सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरियाए हरियाणे नू सतपुरुष परमात्मा यहाँ आए। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आपको वो मंत्र मिल गया सतनाम, जिसका इंद्रादास स्वामी वालों ने कख भी पता नहीं। तो आप कितनी पुण्यात्माओं हो, आप अपनी कीमत नहीं जान सकते, ये दास जानता है, क्योंकि लाल की परख जौहरी को होता है। अब आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा जब सतनाम ले लेंगे। तब बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई फेर नहीं लगता डार। परमात्मा ने हमें आके ज्ञान कराया है कि आप जी कोई मनुष्य शरीर मेरी कृपा से प्राप्त है, अन्यथा ये काल आपको मनुष्य जन्म नहीं देता। सृष्टि रचना के अंदर आप जी सुनते हो कि परमात्मा ने कहा था इस काल भगवान को, जब इसने प्रकृति को माया के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था और उसने इसके पेट में शरण ली थी, परमात्मा ने आके निकाला था, तब इसको एक परमात्मा ने श्राप दे दिया था।
या ये समझो कि उस पवित्र लोक में जो कोई गलती ऐसी करता है उसको ये सजा मिलती है कि तू 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार कराया करेगा और 1,25,00,000 उत्पत्ति करेगा, तेरा नाम काल होगा। अब कई पुण्यात्मा ऐसा कहते हैं कि ये अगर परमात्मा ऐसा इसको वर ना देते, मानव शरीर के सूक्ष्म शरीर से गंध खाने का, तो ये हमें नहीं खाता। पुण्यात्माओं, ये तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है। यदि परमात्मा इसको ये श्राप ना देता तो ये हमें मनुष्य शरीर भी नहीं देता, और मनुष्य शरीर के अंदर हम परमात्मा पा सकते हैं। इसने इतने ऊट पटांग जीव जंतुओं के शरीर गढ़ दिए, एक मनुष्य शरीर इस मनुष्य वाले प्राणी को भी एक और बना देता, तो ये परमात्मा कबीर साहब की असीम कृपा है। हमने जो गलती की थी उसका ये दंड वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी दयालु है परमात्मा, उन्होंने ये ऑप्शन रख दिया कि मनुष्य शरीर इनको मिलेगा तब मैं इनके पास जाऊंगा, और ये क्रम अनुसार अपना सब कुछ यहाँ का विधान बना दिया, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो ये यहाँ के प्रभु जितने हैं, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, ब्रह्म और जितने भी यहाँ के जो अन्य देव हैं, ये केवल प्राणी को उसका किया हुआ जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। यदि पाप कर्म है तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, यदि पुण्य है तो पुण्य भी प्राप्त होंगे। फिर वो परमात्मा यहाँ आएगा, अपना यथार्थ विधान आपको बताएगा कि इन पापों का नाश भी हो सकता है, और वो अभी तक मंत्र किसी के पास नहीं था। जैसे खेती तो चौथे सतयुग से करते हुए आ रहे हैं किसान, अभी तक ये औषधि की खोज नहीं हुई थी कि फसल के अंदर जो खरपतवार उत्पन्न हो जाता है उसको, ऐसी कोई औषधि नहीं थी जो उसको समाप्त कर दे और फसल सुरक्षित रह जाए। अब उसकी खोज होगी, फसल में कितना ही खरपतवार हो, एक ऐसी मेडिसिन खोज कर दी है वैज्ञानिकों ने कि सिंचाई करते समय जल के अंदर उसको डाल दिया जाता है, वो सभी फसल के अंदर से पानी वाटर के साथ चली जाती है और गेहूं का कोई फसल को हानि नहीं करती, खरपतवार का नाश कर देती है, जिससे वो फसल अच्छी तरह फल फूल जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये सत्य नाम जो है, सच्चा नाम दो अक्षर का और तीसरा सार नाम, वो तो कहना ही क्या है, ये वो औषधि है जो हमारे पापों का नाश कर देती है, पुण्य सुरक्षित रह जाती है। जब ही सतनाम हृदय दर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, परमात्मा ने बताया कि आपके सभी पाप ऐसे नाश हो जाएंगे जिस प्रकार ढेर सारे सूखा घास पड़ा हो, जो हजारों क्विंटल पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सभी जलकर सवा हो जाते हैं, और चलती है तेज हवा आंधी उस राख को भी कहीं की कहीं पटक देती है, तो फील्ड क्लियर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलक तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, सूर्य उगा हुआ होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता, जब चलती है तेज हवा बादलों को इधर का उधर फेंक देती है तो हमें सूर्य साफ दिखाई देता है।
इसी प्रकार अभी तक जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, उन्होंने परमात्मा के विषय में अटकलबाजियां की कि वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते उनके सामने बादल छाए थे पाप कर्मों के, कर्मों के छाया ऐसे थी जैसे बादल आगे अड़ गए हों, और उनके पास वो मंत्र था नहीं जिससे पाप नाश हो जाए और जिससे वो परमात्मा को देख सके और यथार्थ स्थिति बता सके। जिन महापुरुषों को परमात्मा आए स्वयं आकर के मिले और उनको वो मंत्र दिया सतनाम दो अक्षर का, उन्होंने वो साधना की और आंखों देखा अपनी दिव्य दृष्टि से परमात्मा को सचखंड के अंदर, और साथ जाकर भी देख कर आए, फिर वापस छोड़े, फिर उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, सतनाम से उनके पाप नाश हो गए, तो यहाँ बैठे भी वो सब चित्रण बताया करते थे परमात्मा का। और जिनको भगवान मिले नहीं उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया है। अब ये समागम जो चल रहा है पुण्यात्माओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, पूरे मानव समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए। फाल्गुन महीने की द्वादशी यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादश और सन 1727 और संवत 1784 को दिन के 10 बजे परमात्मा जिंदा महात्मा रूप बना के अपने सतलोक से उस धूलोक से चलकर आया, गांव छुड़ानी के जंगल में जहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, उनके साथ में गांव के और भी बड़ी उम्र के ग्वाले भी थे, 150-200 गौवें वो रखा करते थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा जमीन थी गरीबदास जी के, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, उसमें बिजाई बहुत कम होती थी, वर्षा ही एक खेती का साधन था, या कोई रहट कुएं वगैरह होते थे, नहरें नहीं थी, जिस कारण से अधिकतर चरागाह और पशुधन ही पाला करते थे। परमात्मा वहां आए और गरीबदास साहेब जी तथा अन्य भक्त अन्य वो पाली वहाँ पर एक जंडी के पेड़ के नीचे रोटी खाए थे, भोजन खा रहे थे। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में वहाँ प्रकट हुआ और थोड़ी सी दूर से आते हुए नजर आए। कबलाना गांव से छुड़ानी गांव का रास्ता उसी जंडी के पेड़ के साथ से गुजरता था, तो उन्होंने सोचा पालियों ने कि ये कोई रास्ता चलता फकीर आ गया है, उनसे कहा महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर ने कहा भोजन मैं पाके आया हूँ भाई अपने गांव तक। पालियों ने पूछा कौन सा गांव आपका, कि मेरा गांव सतलोक है। कितनी दूर है बाबा जी यहाँ से, परमात्मा ने कहा 16 संख कोस की दूरी पर। बात उनके समझ में आई नहीं, फिर उन्होंने कहा महाराज हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमारा अनादर होता है, हमें पाप लगेगा, आप तो महात्मा भी हैं, कुछ ना कुछ आहार तो करना ही पड़ेगा, खाओगे नहीं तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, अभी गौओं का दूध निकाल देते हैं। कुछ ऐसी भली गायें होती थी उनका किसी टाइम दूध निकाल ले। परमेश्वर ने कहा भी मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ पिला दो। तो वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरी नींद ठीक को नहीं, मजाक करते हो आप भी हमारा कोई स्वीकार करना नहीं चाहते हमारी भेंट। तब गरीबदास जी खड़े हुए और कहा महाराज जी देखो कुंवारी ये बच्चिया है, इसके बच्चा नहीं हुआ है, दूध कहाँ से देगी। परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र हो 5-4 किलो का वो ला, तो वह एक लस्सी ले जा करते
छोटा मटका था मिट्टी का, वो खाना खुना खा के उन्हें मांझ धोकर दर रखा था। कहा महाराज जी ये रहा, परमात्मा ने कहा इसके नीचे रखो थनों के सतन के नीचे। गरीबदास 10 वर्ष के बालक लेकर बैठ गए और कहा देखो जी दूध कैसे आएगा। परमात्मा ने कमर पर थपकी मारी उस कऊ के और कहा बेटा ऐसे आएगा। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध का पात्र भर दिया, धार चल पड़ी। तो आधा परमात्मा ने पिया, शेष उन पालियों से कहा ले भाई तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमृत है, ये सचखंड सतलोक से आया है। वो पाली तो कहने लगे हम नहीं पियो, पाप का दूध है, कुंवारी गाय का है, जंतर मंत्र से किया है और तेरा पता ना तू किस जाति का है। गरीबदास जी कहने लगे लाओ महाराज मुझे दे दो। आधा शेष उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको अपने ज्ञान से परिचित कराया। गरीबदास जी की प्रबल इच्छा हुई उस सतलोक को देखने के लिए, जहाँ जाने के बाद जीव कभी मृत्यु नहीं होती, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है, वहाँ कोई काम नहीं कोई दुख नहीं, सदा बाहर वृक्ष हैं, दूधों की नदियाँ बहती हैं, अमृत फल हैं वहाँ के, बच्चे को बहुत लगन होती है। परमात्मा उसकी आत्मा को लेकर गरीबदास जी की आत्मा को कबीर साहेब सचखंड गए और वहाँ अपनी सारी स्थिति से परिचित कराया। उधर से बच्चे को मृत जान करके कुछ देर के बाद देखा पालियों ने कि ये तो बोल नहीं रहा, हिला डुला कर देख मृत पाया। गांव में भागे आए, गांव के लोग वहाँ गए, फिर आसपास के रिश्तेदार इकट्ठे किए। शाम तक तो देर तक होगी थी, शाम के 7-8 बज गए थे, चिता पर रखकर सुहा उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। इस दौरान 8-10 घंटे परमात्मा के साथ रही प्यारी आत्मा, ऊपर के सब लोगों को देखा भगवान कैसा है कौन है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति देखी, काल को देखा, उस नरक को देखा और सतलोक को देखा। फिर वापस आए, परमात्मा ने आत्मा को तुरंत भेज दिया कि कहीं शरीर का नाश ना कर दे, करने की तैयारी ही थी। चिता के ऊपर ही आत्मा सचेत हो गई, शरीर में कंपन हुई, गरीबदास जी जिंदा होकर उठ गए। उठ करके परमात्मा की ये अमर वाणी बोलने लगे। एक बार गरीबदास साहिब जी से कहा कि भगवान जैसे ये एक फाग का दिन होली का दिन आता है, तो अन्य व्यक्ति कहते हैं कि आओ जी होली खेलते हैं, तो गरीबदास जी कहने लगे भाई अब इस होली में हमारा दिल नहीं लगे, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं, इस होली को अब हमारी रुचि नहीं रही। जैसे नानक साहिब जी से कहा था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा बेई नदी पर मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से उनको अंतर ध्यान किया था और 3 दिन तक नानक साहिब जी को बेई नदी में डूबा मान लिया था और फिर उनको भी इस लोक की स्थिति से और सतलोक की महिमा से और सतपुरुष की महिमा से परिचित करा के, अपने आप से परिचित करा के उनको फिर वापस भेज दिया था। तो फिर उनको भी ये लोक ऊट पटांग सा नजर आने लगा। तो नानक साहिब जी भी मायूस रहते थे, जैसे आप पढ़ते हो कि उनकी पहली उदासी, उदासी माने बिल्कुल संसार से विमुख हो गए, नौकरी त्याग दी, लेकिन आदेश परमात्मा का था कि बच्चा तुम यहाँ प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। परमात्मा चारों युग में आए हैं और कहा कि चारों युग में
मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, या हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि चारों युगों में मेरे संतों ने मुझसे परिचित होकर के महिमा गुणगान किया, मेरा जनता को सच्चाई से परिचित कराया, लेकिन कोई नहीं माना। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे, सत भक्ति सतनाम सच्चे मंत्रों रूपी हम सत साधना शास्त्र अनुकूल साधना रूपी तत्व ज्ञान रूपी हम मोती बरसाते हैं, हीरे मोती बरसा रहे हैं। और ये अज्ञानता के कारण शास्त्र विदिता कर मनमानी पूजा करके यो सारा मानव समाज डड़े इकट्ठे कर रहा कंकर पत्थर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, इसका निर्णय सदग्रंथ ही करेंगे, उसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद की आड़ मत लेना, किसी की लोक वेद पर आश्रित ना होकर के अपना जीवन व्यर्थ ना करना। तो नानक साहब जी मायूस रहते थे। भक्त पूछने लगे कि महाराज आप कभी सुखी नजर नहीं आते। तब नानक साहब ने कहा कि भाई ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उना नो केड़ा हासावे। इस गंदे लोक में क्या की खुशी मनावे। पुण्यात्माओं हम बहुत सी घटनाओं को देखते हैं पर हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें इसके विकल्प का पता नहीं। जैसे एक दिन वैसे तो बहुत सी घटनाएं घटती हैं, किसी का विवाह था और समाचार पत्र में दिखा रखा था। पहले दिन तो सारा परिवार नाच रहा कूद रहा डीजे बजावे, छोरे का ब्याह है। अगले दिन बारात जा रही थी, दूल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और उसमें वो दूल्हा भी मर गया, चार पांच और उसी घर के सदस्य और बटेऊ बहनों के वह भी मर गए। अगले दिन वो हाहाकार मच रही थी, टक्कर मार मार रो रहे थे, चूड़ियां फोड़ रही थी, बाल पाड़ रहे थे। तो यहाँ किस चीज की खुशी बना रही हो, बोला जीव आंख नहीं खुलती इसकी। तो यहाँ संतों ने कहा, नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उना नू केड़ा हासा वे। तब नानक साहब जी से पूछा कि हे महात्मा जी, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, क्या आपका कभी खुशी महसूस नहीं होती। अब नानक साहब जी सब सत्संग किया करते थे, बहुत ही कम श्रद्धालु उनके इस तत्व ज्ञान को मानने वाले थे, बहुत ही कम स्वीकार करते थे, समाज में विरोध बहुत बढ़ गया था। तो तब कहा करते, साध मिले साढ़े साधी होंगी और विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हल फकीरी वे। नू कहा करते श्री नानक देव जी कि जब मेरे ये साध भक्त सत्संग श्रवण करने के लिए एज इट इज आ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, उस दिन हमारे शादी होती है। और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, तब मैं मुझे दिलगिरी हो जाती है, मेरी मायूसी छा जाती है, बढ़ जाती है चिंता। किस बात की कि ये बच्चे मुश्किल से सेट किए हैं भगवान के मार्ग पर और बाकी अन्य जितने भी संत पंथ ये सभी काल के मार्ग को दृढ़ा रहे हैं। और ये डर बना रहता है कि कोई इन बच्चों को भ्रमित ना कर दे क्योंकि वो बहुसंख्या के अंदर है और इनका जीवन नाश हो जाए।
और जब ये जोंके तू वापस आ जाते हैं, इनमें कोई हानि नहीं दिखती, ये मेरी एक खेती है, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाई है, उसके ज्ञान को दृढ़ करूं, तो कहते हैं ये जोंके तू आ जाते हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। साध मिले साढ़े साधी होंगी विछड़ दया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति के मुश्किल है या भक्ति, क्योंकि काल ने इतने अड़ंगे अड़ा रखे हैं, सबको भ्रमित कर रखा है, शास्त्र विरुद्ध साधना पर दृढ़ कर रखा है, और इनके आने से वापस आने से हमारी खुशी होती है। अब गरीबदास साहिब जी भी यही कह रहे थे कि भैया नकली होली यहाँ की हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम की होली खेला करें। और पुण्यात्माओं, यहाँ 2 तारीख से और कल 8 तारीख तक जो समागम चल रहा है, हमारी होली ये है, 2 तारीख से होली शुरू होगी थी, रोज देसी घी का कड़ा हलवा आपके बच्चों को प्राप्त, बढ़िया आहार और अमृत वर्षा वो तत्व ज्ञान की, ये है राम नाम की होली, आत्मा भीगी राम के रंग में। आप जिन्हें कबीर सागर में कल पढ़ा था कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, यथार्थ ज्ञान में उसके माध्यम से प्रगट करूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर के मुख से उच्चारित वाणी में ये भक्ति मार्ग यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो ज्ञान है और वो परमात्मा ने खुद अपने मुख कमल से बोला है, वो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो परमात्म तत्व के जानने वाले तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे जो पूर्ण कंप्लीट ज्ञान है। तो वो कंप्लीट ज्ञान कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला था, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, ये सब मालिक ना आके बोले थे। कहा 33 अरब ज्ञान हम भाख्या और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखे, तो उसमें बहुत विस्तार के साथ कहा है। तो वो ज्ञान फिर कबीर पंथ के व्यक्तियों ने, घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ गड़बड़ी की तो परमात्मा ने गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाल दिया अंतःकरण में सारा ज्ञान, फिर उन्होंने एज ए टेप रिकॉर्डर पे बोल दिया, वो वाणी आपको सुनाते हैं। क्या बताते हैं, तेरे दर्पण दाग लग्या रे, तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, तेरे दर्पण जड़पाहन जगत ठग्या रे। अब क्या बताते थे गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि उस समय छुआछात बहुत थी और ब्राह्मण वर्ग अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, एक जाति का अभिमान चरम सीमा पर था। उसमें उनको समझाने के लिए चेष्टा की थी कि भाई परमात्मा के घर में हिंदू ब्राह्मण शूद्र ये नहीं है, ये तो कर्माधार से मानव ने अपने डिवाइड किए थे काम, अब तुम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, तुम एक पिता की जीव हो, माँ के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थे, ब्राह्मण भी बाहर आया माँ के गर्भ से जब जेर में लपटका आया था, और बाहर ना कर तू ना दोगा ब्राह्मण बन गया, और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य आया था, तो अंतर है कर्म का। कहते ऊंच नीच इस विद है लोई, और कर्म कुकर्म का हमें दोई, बुंडे कर्म करनिया दुष्ट कर्म करनिया चाहिए, कोई ब्राह्मण है चाहिए अक्षत्रिय शूद्र है वैश्य है, वो तो नालायक आदमी है दुष्ट है, अच्छे काम करने किसी भी
जाति में है वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विद है लोई और कर्म कुकर्म कहावत दोई। तो यहां क्या बताते हैं, तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। इन पंडितों को जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने, आम जाति से कोई लिंक नहीं था इसका। जैसे मेरे दादा गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली में, नजफगढ़ से गुड़गावा रोड पर, तो वो चार विषय के आचार्य हो गए काशी विद्यापीठ पढ़ के, और पंडित चिदानंद कहलाए। पंडित चिदानंद खरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वह आज भी आश्रम विद्यमान है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। और मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण जाति से थे, गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी दादरी के पास, और वो अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, वो तो संत कहते थे। तो हमने एक परंपरागत जाति मान ली, तो जाति से यहाँ लिंक नहीं है, यहाँ केवल जो गुरु पद पर विराजमान है, जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बना कर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जय तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाया तो आन बाट क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण है और तेरी माँ भी ब्राह्मणी है और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू माँ के जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है, तो कितने और का तक होए खाए में लकड़ी के जो मानते तू ब्राह्मण था, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं, गाल्या कंद जनेऊ तू भूल्या बाट बटेऊ, तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। गाल्या कंद जनेऊ तू भूल्या बाट बटेऊ, कमल तुम्हारा मुद्दा एक जननी एक दूधा, है सब हाड चाम मल गुदा, यम को ब्राह्मण कुण सूद्रा। ते भेद न जान्या धुर का, ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर, ये बुरका पहरा करते देखे अपने मुसलमान के औरतें, उसको बुरका कहें, ऊपर तो लेकर नीचे तीन ढक लें कपड़े थे एड्डी ताई, कहते हैं यू हार्ड चाम तन बुरका, यू हार्ड चाम का बुरका पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। ते ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का, सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए, जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झीमर को गल दीना, बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी, सतनाम गरीब सहाई, गट मुसे खा बिलाई। अब क्या बताते हैं कि ये पंडित जी तन गलम जने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तू तो रास्ता भूल गया, तो भूल्या बाट बटेऊ, बटेऊ होता है राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तू भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि तूने ये कमल तुम्हारा मुद्दा
एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मानुष जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लग गया रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मतलब से ही डिफरेंशिएट करते हो। यहां बताते हैं, ये कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। न्यू अपुण्यात्माओं, हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी हो, अंतड़ियाँ अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती है, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्मा की, और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती हैं, इकट्ठा जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है डोरडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भराकर बड़े ड्रम में न्यो हवा भरती चली जाती है और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। परमात्मा कहते तुम न दिखे के तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं, तुम ये राग द्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के हैं, मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम सुन, हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो क्या बताते हैं कि कमल तुम्हारा मुद्दा, इसलिए तुम सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है, कबीर साहब जी ने क्या कहा कि वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है, देख अपने घर में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? भक्तमती सरला। कहाँ से आए हैं आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सितंबर 2011 में सर। आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? सर मेरे भगत जी ने टीवी में गुरु जी का सत्संग देखा, फिर उसको देखने के बाद उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हरियाणा से मंगवाई इसहार से, फिर उसको पढ़ के हम एक महीने के बाद इसहार चले गए। संत रामपाल जी महाराज की कौन सी बात आपको ऐसी लगी कि आपको लगा कि ये कुछ अलग बात है और आपको लगा कि हाँ मुझे यही बातें बताने वाला संत चाहिए? हाँ जी, उनकी मर्यादाएं शास्त्रों के अनुसार, ज्ञान ये सब देख के, उनकी मर्यादाएं नियम उनको देख के और शास्त्र के अनुसार उन्हें जो ज्ञान बताया उसके आधार पर हमें लगा कि नहीं वही परमात्मा है जिनकी हमें तलाश थी। इस हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, कि आपको नहीं लगता कि और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? नहीं जी बिल्कुल लगता, क्योंकि हमने पहले भी नाम दीक्षा ली हुई थी परमहंस संत से, तो वहाँ हमें कुछ नहीं ऐसा मिला जो हमें सुख नहीं था, हम दुखी थे, हमें देवी देवता की भक्ति भी करते थे, किसी से हमें कोई सुख नहीं मिला जी, ना आर्थिक ना मानसिक। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ मिले सर, बहुत लाभ जिनकी हमें गिनती नहीं कर सकते, ठीक है ना सर, इतने लाभ मिले कि उस दिन से हम इतने सुखी हैं, जो हम पहले बाद में सोचते हैं वो पहले हुआ हुआ पाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि सर
वो जो है मोक्ष का रास्ता है, शास्त्र के अनुसार भक्ति है, उसने हमने उस रास्ते से उस भक्ति से हमें सतलोक जाना है और यहाँ भी हमें सुख सुविधा मिलती है। जब से हम वहाँ जुड़े हैं तो परमात्मा ने हमें, मेरे को बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे पेट में दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होती सर, पहले भी होती थी, परंतु जब आश्रम में गए तो उससे थोड़ा राहत हो गई थी। परंतु उसके बाद जब 2 साल पहले की बात है, साल पहले की बात है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई सर, जब मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे पेट में इतनी दर्द हो गई सर, इतनी दर्द हो गई असहनीय कि मैं मरने वाली थी सर, मर चुकी हूँ, और सारे परिवार वाले जो है मेरे आसपास बैठे हैं, और रात को इतनी दर्द भयानक हो गई कि सभी डर गए कि इसको क्या हो गया। मेरे को पूरी रात होश नहीं थी, और जब मेरे को इतनी दर्द शुरू हो गई तो मैं गुरु जी के तस्वीर की तरफ देखती हूँ और बोलती हूँ परमात्मा जैसा आप करेंगे वैसा ठीक है। और मेरे को पूरी रात कोई पता नहीं था कि मैं, मेरे हिसाब से तो मैं मर चुकी थी, और सुबह जब मैं आँख, जब मेरे को होश आया, मैंने देखा तो मैंने देखा कि परमात्मा ने आपने मेरे को बचा दिया। मेरे को एक दिन जैसे हमारे मेरे पति जो है भक्त जी हैं, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई सर, तो उस टाइम कौन बचाया था, किसने बचाया था उनको, परमात्मा कबीर साहब ही दर्शन देख के जो है उनको बिल्कुल जीवित कर दिया मरे हुए को जी। और बात दूसरी ऐसी है कि हमारे घर में जैसे नया नया मकान बना था, उसके पीछे एक दीवार थी और 8 फुट लंबी दीवार थी सर, और हम दोनों ही 4 बजे सुबह रात को जैसे नित्यनियम सुबह लगाया था, तो हम भक्त जी पहले चले गए, फिर बाद में मैं भी चली गई, तो जब वो पीछे खोद रहे थे, दीवार के नीचे झुके हुए थे, तो मैंने टॉर्च पकड़ी हुई थी सर, और उस पूरी दीवार 7-8 फुट जो है भगत जी के सिर पे आ गई सर, और उनको कुछ नहीं हुआ, जो दीवार पक्की थी उनके सिर पे आ गई, और मैं घबरा गई और मैंने बोला देखो ये क्या हो गया, परंतु और परमात्मा के नित्यनियम लगा हुआ था, और वो दीवार ऐसी जैसे फूल की तरह, वो उनको कुछ नहीं हुआ, एक जख्म तक नहीं आया सर, और मेरे चारों तरफ से टांगों के पास आसपास पत्थरी पत्थर गिर गया, और भगत जी को मैंने ऐसे किया, एक ऐसे इशारा किया जैसे मान लो उन्होंने गुरुजी ने जो है उनको पकड़ के पीछे कर दिया है, और दीवार फिर उसके बाद सारी ही जब वो पीछे हटे तो नीचे गिर गई सर, और मेरे टांगे बिल्कुल सुरक्षित, उन्होंने सोचा कि इसकी टांगे बस टूट चुकी है, परंतु मेरी टांगे बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई सर, और वो परमात्मा का ही चमत्कार है जो मरे हुए को जिंदा करते हैं। उस दिन हमारी निश्चित मौत थी सर, निश्चित मौत थी, हमने निश्चित मौत हमने इतने नज़दीक से देखी सर कि हमारे आगे जो है मौत है, और हमें परमात्मा ने आके बचा लिया है, वो परमात्मा है सर, परमात्मा ने जीवन दान दे दिया। और आप क्या लाभ बोल रहे हैं, सतलोक का रास्ता परमात्मा बताते हैं, मरे हुए को जिंदा करते हैं, और ऐसे वो परमात्मा नहीं और क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के भेष में कबीर साहब ही परमात्मा के रूप में यहाँ आए हैं। बहन जी, जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो स्वयं तो स्वस्थ होती है, लेकिन जो उनके पति होते हैं वो किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं और उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। महिला का पूरा जीवन कष्टमय बीतता है, लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों से बात की तो उनका कहना था कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है वो छूट जाते हैं। इस प्रकार के कोई अनुभव रहे हैं कि आपके पति भी कोई इस प्रकार का नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया हो? सर नशा तो नहीं करते थे, वो तो पहले से ही परमात्मा की शरण में, मतलब परमात्मा ने पहले से ही बख्श रखा था, ऐसे संतों के पास लगे हुए थे कि नशा तो पहले बचपन से नहीं करते थे सर। और परंतु ऐसा कि हम दुखी बहुत थे, मानसिक रूप से दुखी थे, शारीरिक रूप से दुखी थे, रोग थे, बीमारियां थी, परंतु जब से गुरु जी की शरण में गए हैं तो बीमारियां उस दिन से बिल्कुल नहीं है। बच्चे बीमार नहीं होते, बच्चे बीमार होते हैं दंडवत करते हैं, गुरु जी की चरणामृत लेते हैं और तब भी ठीक हो जाते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश से दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या हिमाचल प्रदेश में साधु संतों की कमी थी जो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर साधु संत तो बहुत फिरते हैं, बहुत संत साधु संत हैं, परंतु साधु संत का मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा जैसे ऐसी भक्ति नहीं दे रहे हैं, शास्त्र के अनुसार हमें वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे ही बकवास करते हैं, तो उसके उनके कहने पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, कोई शांति नहीं है, कोई धार्मिक हमारी कोई जो ज्ञान है, जो सतलोक का रास्ता वो नहीं हमें मिल रहा है, तत्व ज्ञान हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमें सुख नहीं है, तो हमें उन साधुओं से क्या लेना है। ऐसा भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में महिलाओं के बाथरूम के अंदर कैमरे लगे थे,
महिलाओं को दूध से नहलाया जाता था और भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, जाना है, आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा ऐसी बात नहीं है सर, आपने जो सुना है वो बहुत गलत है, क्योंकि हम आश्रम में रहते थे सर, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उससे मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए दुखी हो रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। जो गुरु जी के आगे जो गुरु जी को आरोप लगाए, जो ऐसे कि ऐसा था, ऐसे कैमरे थे, ऐसा कुछ नहीं था सर, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मीडिया वाला जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो परमात्मा है, वहाँ सब कुछ फ्री मिलता था, वहाँ कोई कैमरे नहीं लगे थे सर। हम तो जाते थे, महीने में 2 बार भी जाते थे, 3 बार भी परमात्मा कृपा करते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आपके साथ आपके पति आपके बच्चे भी जाते थे? हाँ सर, हमारा पूरा परिवार जाता था, पूरा परिवार जाता था, ऐसा नहीं था। परंतु जो ज्ञान को फैला रहे हैं, एक दिन मेरे को हमें पूरा विश्वास है अपने परमात्मा पे कि वो सही करेंगे, एक दिन सही करेंगे और सच जो है सामने आएगा सर। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसमें जो बुला रहे, जो गलत बोल रहा है वो पछताएंगे सर। आप लोग लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, लगभग 3 साल हो गए हैं, संत रामपाल जी महाराज को रिहा करो की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा आपकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को चाहिए कि वो जो गुरुजी के ऊपर इतने झूठे झूठे केस लगाए हैं उनको वापिस ले, CBI जांच करा, हमारे गुरुजी को जल्दी जल्दी बाहर करें। आपके हिमाचल प्रदेश से भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मौजूद थे और उनके ऊपर भी देशद्रोह जैसे आरोप लगे और उनको भी जेल में डाला गया, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के बारे में? क्या उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया जिनके लिए उनको जेल में डाला जाना चाहिए? नहीं सर, कुछ नहीं किया था, वो तो आश्रम में बैठे थे। जब अपने आंगन में अपने घर में बैठा है कोई, तो कोई दूसरा आके अगर कोई हंगामा कर दे, कोई गोली बारी बारूद कर दे, तो गलती घर में बैठे की नहीं है। घर में तो बैठा है आदमी, वो तो सब बैठते हैं अपने घर में। तो अगर कोई आगे से आ रहा है और अपने हमला कर रहा है और हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है। परंतु फिर भी प्रशासन को क्या कर रहा है, प्रशासन जो है अपनी गलती को नहीं मान के, हम लोगों के जो ईमानदार लोग हैं, जो परमात्मा ने बताया कि अगर आपको कोई मारता है तो आपने हाथ जोड़ के उसके आगे नतमस्तक होना है, आपने हाथ नहीं उठाना है। हम गाली तक नहीं दे सकते सर, हमारी इतनी मर्यादा है, परमात्मा ने बताई हमें, तो परमात्मा ने यहाँ सतलोक की तरह हमें बहुत सुख दिया है। परंतु उन्होंने ऐसा हमारे ऊपर अत्याचार किए सर, वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है सर। लाखों की तादाद में अभी भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की खबरों का असर लोगों के जहन में है कि कुछ ना कुछ तो सच है ही, अगर 100% नहीं है तो 10-20% तो है ही, तो आप लोग उन लोगों को कैसे समझाएंगे? मैं उन लोगों को, हम जैसे गांव-गांव में सर, शहर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में प्रचार कर रहे हैं कि ज्ञान गंगा का प्रचार है, उस ज्ञान गंगा को पढ़ो और सच्चाई जानो, सच्चाई एक दिन सामने आएगी। सारा मीडिया झूठ बोल रहा है, कोई भी एक भी बात गलत, एक ही बात जो है सही नहीं है, सब झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आखिर आप लोगों का क्या स्वार्थ है कि आप लोगों को समझाते हैं, शहर शहर जाकर आप प्रचार करते हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तक बांटते हैं, आपको क्या मिलता है, क्या आपका स्वार्थ है? आप मीडिया के सामने भी इंटरव्यू दे रहे हैं, शहर शहर जाके किताबें बांट रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के विरोध का भी सामना करते हैं, तो आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों का क्या स्वार्थ है इसमें? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है सर, बगैर स्वार्थ के लिए आज के दिन कोई व्यक्ति काम करता ही नहीं है। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ही माहौल है, अब हर स्वार्थ के बिना जो व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता। परंतु परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान सही है, क्योंकि हम पता नहीं कितने असंख्य जन्म से भटकते हुए आ रहे हैं, पूरे मानव समाज जो है भटकते हुए आ रहा है। अगर उनको सही संत की हमें पहचान हो चुकी है कि परमात्मा इस धरती पे आए थे, हम उनको भी समझाना चाहते हैं कि वो भी परमात्मा का ज्ञान समझे और गुरुजी की शरण में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा